हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके भी बैंक अकाउंट में आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपको नहीं मिला है तो आप कैसे फ़ोनपे का अकाउंट चालू कर सकते हैं और उससे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। कई लोगों को समस्या होती है कि उनका जो एटीएम कार्ड है उन्हें नहीं मिलता है, इसके कारण उनका जो फ़ोनपे गूगल पे है वो चालू नहीं हो पाता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से अपना फ़ोनपे अकाउंट चालू कर सकते हैं और उसमें आसानी से लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसी मोबाइल नंबर से आपका फ़ोनपे अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा आप फ़ोनपे में जो लॉगिन करते हैं वो भी उसी अकाउंट से होना चाहिए और आपके जो नंबर आप दे रहे हैं आधार में लिंक वो वाले आपके बैंक के साथ भी जुड़े होने चाहिए। अगर आपकी ये सारी चीज़ें पूरी है तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोनपे ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर लिख देने हैं जो आपके आधार कार्ड और बैंक जो अकाउंट है उससे लिंक हो, वो वाले नंबर आपको लगाने हैं और प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा, आपको सिर्फ वेट करना, ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर कुछ परमिशन है वो आपको इसे दे देनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आपको बैंक अकाउंट ऐड का ऑप्शन आएगा, इसे आपको स्किप कर लेना है। इसके बाद में आपका जो होम विंडो है वो ओपन हो जाएगा। होम विंडो पर आपको साइड में कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखें तो आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। हमने पहले ही अपने अकाउंट ऐड कर रखे हैं तो ये हमें पहले ही दिख रहे हैं, तो इन्हें हम रिसेट करके देखेंगे। सेम प्रोसेस है वही, तो पहले आपको ऐड बैंक अकाउंट करना है। आपका जो भी अकाउंट आपके सिम से लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको अकाउंट पर ओके करना है, उसके बाद में रिसेट पिन पर आपको क्लिक करना है, रिसेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देखें तो आधार नंबर लिंक्ड विथ बैंक वाले पर आपको राइट रहने देना है, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, प्लीज़ वेट आ रहा है। उसके बाद में आप देखें आपको अपने आधार कार्ड के जो 6 डिजिट है वो आगे के आपको लगाने हैं, उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो इस प्रोसेस में आप देखें तो आपको 3 OTP मिलेंगे, सॉरी 2 OTP, एक आपको आधार का OTP मिलेगा, उसके बाद बैंक OTP मिलेगा, उसके बाद में आपको 2 बार अपना जो UPI नंबर है नया आप सेट करें वो लगाना है, और उसे आपको वापस से ऐड करके आपका जो UPI पिन है वो सेट हो जाएगा। तो सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो ब्लैक आ रही है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है फ़ोनपे के द्वारा रिकॉर्डिंग करना, तो इसलिए ये इस टाइप में ब्लैक आ रहा है। तो हम ऐसे इसे ब्लैक रहने देते हैं और अपना जो पिन है वो रिसेट कर देते हैं। जैसे आप अपना पिन सेट करेंगे आपका यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि UPI पिन इज सेट। इसके बाद में हम वापस अपना जो बैलेंस है वो चेक करेंगे कि क्या इस नए वाले पिन से हमारा बैलेंस चेक हो रहा है या फिर नहीं, तो बैंक अकाउंट में हम ओके करेंगे। उसके बाद में वापस से हमने जो नया पिन बनाया है वो लगाएंगे। उसके बाद में आप देखें मैसेज भी आ चुका है, आपका नया पिन सेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो भी चेक हो रहा है। तो इस तरह से आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे और आधार कार्ड से बिना ATM अपना UPI पिन जनरेट कर पाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।